दूसरे से लड़वा दिया, लड़वाने के बाद में शाम को कह रहे हैं आपका ये फर्स्ट राउंड था, आपका गेम बाकोवर नहीं दिया गया है। और जबकि एक चौधरी गाइड करप दिल्ली की और मुरादाबाद की शेर पंजाब का बाकोवर गया था, और शेर पंजाब को बुला के शेर पंजाब को अगले दिन बुला के फहीम भाई की टीम को, जो कि अनिल भाई से लड़वा दिया गया, फिर लड़वा दिया गया, एक टीम को दो बार लड़वाया गया, टीम को दो बार लड़वा दिया गया, ठीक है। और उसमें दिल्ली वालों ने ऑब्जेक्शन भी ये किया था कि अगर शेर पंजाब की टीम अगर तीसरे चौथे राउंड में हमसे टकराती है तो हम इसे ग्राउंड में मैच नहीं लड़ाएंगे, तो उन्होंने दूसरे नाम से उस टीम को अनिल भाई से लेके लड़वा दिया, फहीम नाम से जो लड़का लड़ा दिया था उसी नाम से उन्होंने टीम को उतार के लड़ा दिया, ठीक, वो उनको लड़वा दिया। तो मेन मकसद यहाँ पे ये है कि फरखाबाद की टीम यहाँ पे कोई ना आए, ना यहाँ पे माल लेने आए मांझे वालों से, ना कोई पतंग लेने आए, ना उनको मांझा दिया जाएगा ना उनको पतंग दी जाएगी, आप ही समझ लें। और आएंगे तो वो उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी, जो कि उन्होंने अल्फाज वहाँ पे जो हमें खूब गालियाँ गलौज से उन्होंने बात करी हमसे, ठीक, गलत है, किसी को बुला के उसका मान सम्मान ना करने की, अगर आपके आ रहे हैं और आप उन्हें गाली गुफ्तारी कर रहे हैं उनके सामने, ये चीज बहुत गलत है। वहाँ की कमेटी का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, आप बोलिए। पहली बात तो बरेली के पतंगबाज जितने वहाँ पे फरुखाबाद में लड़ाने गए हैं या अभी जाने वाले हैं, जो भी है, उन लोगों का जो व्यवहार बरेली के प्रति प्लेयरों के लिए वो बहुत ही खराब रहा है, चाहे वो गेम के प्रति हो या व्यवहार के प्रति हो, वो लोग ना बोलना सही से जानते हैं ना उनको व्यवहार करने की तमीज़ है, क्योंकि जो जाफर के साथ उन्होंने व्यवहार और गाली गलौज की है वो बहुत ही बेकार की है। मेरे हिसाब से तो फरुखाबाद जो एक गांव कस्बा ही लगता है मुझे, जो इसका नाम है जिस हिसाब से ये है उसी हिसाब से है ये, क्योंकि वो खुशनसीब समझें कि बरेली के प्लेयर वहां पे जाके लड़ा रहे हैं और वो इस प्रकार का व्यवहार ऑल इंडिया के जो प्लेयर जो वहां पर जाके लड़ा रहे हैं वो खुशनसीब समझे, उसके बाद भी वो व्यवहार ऐसा कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उन लोगों को बैन होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया। हमने तो बैन कर दिया थी, हमने बैन कर दिया, लखनऊ वालों ने भी बैन कर दिया है, हम दूसरे से नहीं कह रहे, ये पहला और आखिरी ऑल इंडिया हो रहा है, और हम आपको बता दें ये पहला और आखिरी टूर्नामेंट है वहाँ का, और सब अहमद भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, बताओ। और मेन चीज ये है कि जो वहाँ पे जो भी चल रहा है सब उनका मेन टारगेट ये है कि आप वहाँ पर सिर्फ टूर्नामेंट फरखाबाद में ही रहे, मेरे भाई उनका तो जावर भाई कहना है जो बात है।